अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पीमा मेथी। बहुत ही टेस्टी बनती है। विंटर स्टार्ट हो गई है, इस टाइम जो मेथी का साग है बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो आप लोग पीमा मेथी ज़रूर बनाएं। तो इसके लिए मैंने ये लिया है 350 ग्राम मटन का कीमा, और ये लिए मैंने 125 ग्राम मेथी। ये मेथी का साग लिया है मैंने 125 ग्राम और इसे इस तरह से मैंने तोड़ लिया, काटा नहीं है, सिर्फ तोड़ा है। ये तोड़ने के बाद 125 ग्राम है, और ये देखिए इसे मैं काटूंगी नहीं, इसी तरह से रखूंगी। इसकी जो लीफ होती है बस वही तोड़ी है मैंने, क्योंकि इसे जब काट लेंगे तो ये कड़वी हो जाती है थोड़ी, तो इसलिए काटना नहीं, इसी तरह से हम इसे डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पीमा मेथी। तो ये देखिए एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म कर लेते हैं पहले। तो ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक सिनेमन स्टिक का पीस। ये मैंने एक सिनेमन स्टिक का पीस लिया, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक तेज़पात का पत्ता, इसे बीच में से तोड़ लें, इस तरह से ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखा है, क्योंकि जो मसाले डालें वो एकदम से डालने पे जल ना जाए। इसे कुछ सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लें। और अब इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसे इस तरह से काट लिया है, और इसे ऐड कर देंगे अब इसमें। और प्याज को जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा गुलाबी सा कर लेना है। तो ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बस इतना ही इसे पकाना था, ज़्यादा नहीं कुक करना है इसे प्याज को। बस अब इसमें ऐड कर देंगे कीमा। कीमा को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे निकाल दिया है। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन। ये मैंने 10 कलियाँ लहसुन की ली है और हाफ इंच का अदरक का पीस लिया था और इसे अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ जो है कीमे को अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए कीमे को मैंने अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे से भून लिया है, जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो खत्म हो गई है। और कीमा हो, मटन या चिकन, उसे जितने अच्छे से आप भून लेंगे उतना ही ये टेस्टी बनता है। तो फ्लेम को अब मैं स्लो कर देती हूँ और अब इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और ये जो कीमा और मेथी भाजी है ना, ये थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, तो ज़रा चटपटा बनाएं। और ये मैंने 2 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन्हें मिक्स कर लें। तो ये देखिए सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए टमाटर को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसे हम कुक कर लेंगे करीब 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर करके, जिससे ये जो टमाटर डालें वो भी सॉफ्ट हो जाए। और कीमा एक बार और भूनेंगे हम। टमाटर जब गल जाएंगे तो उसके बाद हम कीमे को भूनेंगे। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, जो टमाटर डालें उसी का पानी इसमें रिलीज़ होगा। करीब 5 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पे इसी तरह से कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर डालने के बाद इसे मैंने 5 मिनट के लिए कुक कर लिया है, और ये देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए इसी तरह से हो जाए। और अब इसे अच्छे से एक बार और भून लेंगे। जब आप इसे भून लेंगे ना, जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो फ्लेम को मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ और तेज़ फ्लेम पे इसे हम भून लेते हैं। तो ये देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छे से भूना है। आप देखें इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कितने अच्छे से भून चुका है। तो बस अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी, क्योंकि अभी हमें कीमे को गलाना है।
और मैंने इसमें ऐड किया करीब हाफ कप पानी और स्लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे करीब 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये कीमा जो है मैंने लिया है मोटा वाला, तो इसलिए इसे मैं करीब 15 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। अगर आपने मशीन से निकला हुआ कीमा लिया है तो 10 मिनट के लिए कुक कर लें। तो इसे स्लो फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ करीब 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखिए कीमे को मैंने 15 मिनट के लिए पका लिया है और इसे मैंने बीच में सिर्फ दो बार खोल के चलाया था, तो अब इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और कीमा भी अच्छे से गल गया है, आप देखें इसी तरह से टूट रहा है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरी मिर्च। ये मैंने दो हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई और दो मैं साबुत डाल रही हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप सब हरी मिर्च जो है काट के डाल दें। ये मैंने जो हरी मिर्च ली है बहुत स्पाइसी है, इसलिए मैं इसमें इतनी ही ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें ऐड कर देंगे मेथी, और हरी मिर्च ज़रूर इसमें ऐड करें क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है। किसी भी तरह का कीमा बनाए उसमें हरी मिर्च को ज़रूर ऐड करा करें, कीमे के जो है टेस्ट बढ़ जाता है उससे। और फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए बहुत तरह की रेसिपीज लाती हूँ, एकदम नई नई तरह की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये जो मेथी डाल रही है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि जो मेथी है उसी का पानी रिलीज़ होगा, और इसे कवर भी नहीं करना है क्योंकि कवर अगर कर देंगे तो जो मेथी का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और मेथी जो है कड़वी भी रहती है थोड़ी कवर करने से। तो बस इसी तरह से इसे पका लेंगे। तो ये देखिए मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और देखिए मेथी एकदम से सॉफ्ट भी हो गई और इसका पानी भी रिलीज हो गया। बस इसी पानी में हमें मेथी को 5 से 6 मिनट तक पकाना है और इसे कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से पकाएंगे। फ्लेम को थोड़ा लो मीडियम पे कर दें जिससे मेथी भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए कीमा मेथी पकते हुए हो गए पूरे 6 से 7 मिनट और मेथी जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। ये इसी तरह से रहेगा भुना भुना, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इस तरह से ये जो ऑयल है सेपरेट हो रहा है, इसी तरह से ये रहेगा जब भी ये टेस्टी बनता है। और अब इसमें कुछ मसाले और ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, इससे जो है इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इसे ऐड करें इसमें। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून लेमन जूस और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और देखिए ये बिल्कुल भुना भुना है, इसी तरह से ये होना चाहिए जब ये टेस्टी लगता है। तो ये बस बिल्कुल तैयार है, अब इसे निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। तो ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और इसे अब सर्व कर लेते हैं। और बहुत ही खुशबूदार टेस्टी कीमा मेथी बनके तैयार है। आप देखिए बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है और टेस्टी तो होता ही है। तो आप लोग अपने किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। विंटर का सीज़न है, इस टाइम पे तो मेथी बहुत ही अच्छी आ रही है एकदम फ्रेश। तो इस रेसिपी को भूलें नहीं, ट्राई ज़रूर करें। तो ये लीजिए मज़ेदार सी कीमा मेथी बनके तैयार है। आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बन भी बहुत जल्दी आती है और टेस्टी भी होती है और साथ ही में बनाना भी आसान है। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें, जिस तरह से मैंने बनाई है बिल्कुल वैसी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इन्जॉय करें। कीमा मेथी विश शिवाज किचन। थैंक यू।